हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नए साल का आगाज हो चुका है और इस नए साल में हमें यहाँ पे बहुत सारी नई नई भर्तियाँ जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूपीएसएससी का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स की डेट जो है वो दे दी गई है और सीटेट के एग्जाम की भी डेट आ चुकी है। और हमने देखा है कि जो है योगी सरकार ने भी क्या किया है कि दिशा निर्देश दे दिए हैं कि यूपी टेट के लिए बहुत ही जल्दी एक नया आयोग बनाया जाएगा और वो जो है यूपी टेट का पेपर जो है वो कंडक्ट कराएगा। और अगर यूपी टेट आ जाता है तो उम्मीद है कि इसी साल के एंड तक हमें जो है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, नए साल में एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये पॉलिटिकल कोई जो है टॉपिक नहीं है। देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो नया साल है और नए साल में हम सभी के हौसले क्या है, बुलंद है, और हमें उम्मीद है कि इस साल हम अपनी मंजिल को पा लेंगे, यानी कि हम जो है वो नौकरी इस साल अपनी पक्की कर लेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि इस साल हमें नौकरी जो है वो मिल ही जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारी जो है यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। हमने पढ़ा था कि संविधान कैसे बना, कब बना और उसको बनने में कितना समय लगा, और इसके साथ ही साथ हमने जो है भारतीय संविधान के स्रोत भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। आज हमें जो पढ़ना था वो था संविधान की अनुसूचियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ। बता दें, जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं ये संविधान का ही एक क्या है, भाग है। यहाँ पे बात करें हम लोग भारतीय संविधान की, तो ये भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे, हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि संविधान में जो है, मूल संविधान में यानी कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां रखी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जरूरत पड़ी और संविधान में संशोधन किया गया, उसमें 4 अनुसूचियां जो है वो अलग से जोड़ दी गई। तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 8 थी, और जो वर्तमान समय में इसकी संख्या है वो हो गई है 12। यहाँ पे जो है 8 में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई बाद में, और फिर अब जो है वो टोटल 12 अनुसूचियां हो गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का होगा 8। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं या वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा 12 सही होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहली अनुसूची में जो है वो क्या रखा गया है। पहली अनुसूची में जो है वो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का को जो है रखा गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो बताते चले कि जब पहले संविधान जब बना था, जब इसके पहले अनुसूची में, तब जो है यहाँ पे 29 राज्य थे, लेकिन अब जो है इसमें यहाँ पे 28 राज्य है। वर्तमान समय में यहाँ पे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश भी जो है 8 है, क्योंकि तो जम्मू कश्मीर जो है वो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश में ही रखा गया है। तो 28 राज्य और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों, इन सबका उल्लेख जो है वो हमें कहाँ मिलता है, पहली अनुसूची में मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर जो है भारत में कोई नया राज्य बनाया जाएगा
तो संविधान की किस अनुसूची में जो है परिवर्तन किया जाएगा? तो देखिए आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कहाँ रखे गए हैं? पहली अनुसूची में। तो अगर भारत में कोई नया राज्य बनाया जाता है, नया राज्य जुड़ता है, तो उसके लिए संशोधन भी किस अनुसूची में किया जाएगा? पहली अनुसूची में। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो है वो रखे जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी है, जैसे चाहे राष्ट्रपति हो गया, या लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, या राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, या न्यायाधीश है, या कैग वगैरह, इन सबके जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का जो है उल्लेख वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। किसका किया गया है? वेतन भत्ते और जो है पेंशन। किसकी? भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या रखा गया है। तो तीसरी अनुसूची में ये जो पदाधिकारी है या इनके जो है वो शपथ ग्रहण का इसमें उल्लेख किया गया है। शपथ, देखिए जब जैसे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर जो है वो अपना पद जिस टाइम ग्रहण करता है उस समय वो क्या करता है? शपथ लेता है। तो उसकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? उसका उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं कि चौथी अनुसूची में जो क्या रखा गया है। तो संविधान की चौथी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। राज्य सभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि जो है कौन से राज्य से जो है कितने प्रतिनिधि जो है वो राज्यसभा में रखे जाएंगे, तो ये सब इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? चौथी अनुसूची में जो है किया गया है। और यहाँ पे जो है एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था कि उसमें जो है देखिए एक तो होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों का। अब इन दोनों से ही जो है सदस्य चुन के वो जो है वो राज्यसभा में आते हैं, लेकिन यूपीएससी में जब क्वेश्चन आया था वो आया था कि राज्यसभा में जो है सिर्फ राज्य से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, ना कि जो है केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों से चुन के आएंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन सिर्फ जो है आपको घुमाने के लिए दिया गया था, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसमें राज्य से भी आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से भी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनका जो है उनको कौन चुनता है? उनको चुनता है राज्य की विधानसभाएं चुनती हैं। तो जो दिल्ली और पांडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे भी क्या है? वहां पे भी विधानसभाएं हैं। तो इसलिए जो है केंद्र शासित प्रदेश के भी प्रतिनिधि इसमें चुन के आते हैं। तो अब हम इसको जो है ये तो हमने देख लिया कि पहली अनुसूची में क्या हुआ, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में क्या रखा गया। अगर हम इसको जो है कोरिलेट करके पढ़ना चाहेंगे तो देखिए कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। हमने माना कि जो है भारत में पहली अनुसूची में रखा गया कि भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों को रख दिया गया है, ठीक है। अब भाई जो भारत है उसमें राज्य होंगे तो उनपे हम मानेंगे कि बहुत सारे विभिन्न पदाधिकारी भी हुए, तो अब जो है इसके पदाधिकारी है तो उनकी पहले, अब दूसरी अनुसूची में उनकी बात हो गई उनके वेतन भत्ते और पेंशन की। हमने कहा कि चलिए देखिए जितने भी पदाधिकारी है उन्होंने कहा कि हम जो है अरे शपथ को रखिए साइड में, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बात करेंगे अपने वेतन के बारे में कि हमें कितना वेतन मिलेगा। अगर तो मान लीजिए हम है और हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हमें कितना जो है भाई कितनी सैलरी है, पहले हम सैलरी रखेंगे और अगर सैलरी हमें सही लगेगी तो हम क्या कहेंगे ठीक है फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं रिलेट करके कि भारत के पहले राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लिया गया, फिर उनके पदाधिकारियों ने कहा कि भैया हम पहले देखेंगे कि हमें कितना वेतन भत्ता मिलेगा, कितना पेंशन वगैरह मिलेगा, उसके बाद हम अपना पद जो है ग्रहण करेंगे। तो पहले बात हो गई वेतन भत्ते और पेंशन की, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब हमारा वेतन जो है हमारे हिसाब से हो गया तो अब हम जो है शपथ ग्रहण कर लेंगे, यानी कि अब हम शपथ अपने पद की ले लेंगे, ठीक, इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। फिर देखा कि जब उन्होंने शपथ ले ली पहले उनको जो है वेतन भत्ते मिल गए, पेंशन मिल गई, फिर उन्होंने क्या किया शपथ ले ली, उसके बाद उन्होंने फिर राज्यसभा में अपना
प्रतिनिधित्व के लिए आ गए। ठीक, अब हो गया। अब हम देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या रखा गया है। वे बात हुई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी की। इसको हम क्या करेंगे, कोरिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पांचवी अनुसूची में जो है वो बात की गई है एससी एसटी की, यानी कि भारत की जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति, उनकी बात कहाँ की गई है, पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है संविधान की अनुसूची पांच में। ठीक है, और हाँ ये भी, हम इसके पहले हमने जो चौथी अनुसूची पढ़ी है वहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्यसभा में किस राज्य का जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व यानी कि सबसे ज्यादा सदस्य जो चुन के आते हैं, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो है हमारे यूपी की। ठीक, अब बात करते हैं हम छठी अनुसूची। तो देखिए पांचवी और छठी को भी हम जो है आपस में कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। पांचवी अनुसूची में बात हुई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, लेकिन छठी अनुसूची में खाली बात होती है जनजाति की। किसकी बात होती है, जनजाति। इसमें भी जो है चार चार राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है, जो है पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। इनको हम लोग शॉर्ट में AMTM ऐसे याद करेंगे तो याद आ जाएगा। AMTM नहीं है, AMTM है। ठीक है, ए से हो गया असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो इसको AMTM से हम याद रख सकते हैं कि इसमें इन चारों राज्यों की जो है वो प्रशासन के बारे में बात कहाँ की गई है, वो की गई है छठी अनुसूची में। हम देखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका जो प्रशासन है वो भारत के अन्य राज्यों के प्रशासन से थोड़ा इनकी मतलब कि इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, इसलिए इनको क्या किया गया है, छठवीं अनुसूची में अलग से इनको जगह दी गई है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो है वो उनके प्रशासन का वर्णन हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पांचवी और छठी दोनों अनुसूचियों में जो है इनके बारे में देखने को मिलता है। लेकिन बात की जाए अगर खाली जनजाति की, इन चार ठीक है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी बात की जाए तो इनका उल्लेख सिर्फ हमें कहाँ मिलता है, छठी में। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अगर इन दोनों को पूछा जाता है तो पांचवी और छठी अनुसूची जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम कि सातवीं अनुसूची में क्या रखा गया है। सातवीं अनुसूची में जो है वो शक्तियों का विभाजन है। अब देखिए ये शक्तियों का विभाजन किसके बीच है, ये है केंद्र सूची, ठीक है राज्य सूची और तीसरा आता है इसमें समवर्ती सूची। इसमें किसमें विभाजित है, पहला हो गया केंद्र सूची, दूसरी है यहाँ पे राज्य सूची और तीसरी है यहाँ पे समवर्ती सूची। अच्छा देखिए इनमें जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। अब केंद्र सूची में जितने भी विषय आते हैं उनपे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो वो होगा केंद्र सरकार को। और इसमें जो है केंद्र सूची में कितने विषय, पहले जो है इसमें 97 विषय जो है रखे गए थे और अब इसकी संख्या बढ़ती कितना हो गई है, 100 हो गई है। ठीक है, फिर है राज्य सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उन सब पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल राज्य को होगा। इसमें जो है पहले राज्य सूची में थे 66 विषय थे और अब जो है इनकी संख्या घट गई है और हो गई है 61 हो गई है। फिर आती है संवर्ती सूची। अच्छा संवर्ती सूची पे जो है कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार
को भी होगा और राज्य सरकार को भी होगा। लेकिन अगर इसके किसी विषय पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपस में टकराव हो जाता है या मतभेद हो जाता है, तो उसमें जो जिसका निर्णय मान्य होगा वो होगा केंद्र सरकार का। ठीक है, संबंधित सूची में पहले जो है वो 47 विषय थे और कहीं कहीं पे इसकी जो है किसी बुक में 46 इसकी जो है संख्या दी गई है, और अब ये जो है बढ़ के हो गए हैं 52। तो ये बात हुई शक्तियों के विभाजन की, यानी कि संविधान की अनुसूची 7 के बारे में। अब देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो रखी गई है भाषाएं। पहले जो थी, जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई हैं। इसमें जो है असमिया, गुजराती, कोंकणी और बांग्ला, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सारी भाषाएं जो है वो 22 की 22 भाषाएं, वो उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन कई बार आता भी है कि भाषाओं का उल्लेख जो है वो संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका आंसर आप देंगे 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 4 अनुसूची अभी हमने पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब हमने 4 यहाँ पे और पढ़ ली, 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं। हमने यहाँ पे देखा कि 5वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। 6ठी अनुसूची भी इससे रिलेटेड है, उसमें बात की गई है खाली जनजाति की। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति की बात नहीं की गई, इसमें खाली जनजाति, और जनजाति में भी 4 जो है जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था जो है इसमें की गई। किसकी किसकी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन जो है इसमें इसमें 6ठी अनुसूची में इनके प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ठीक, और 7वीं अनुसूची में हमने देखा कि शक्तियों का विभाजन है, जिसमें कि केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में अलग अलग जो है विषयों का विभाजन कर दिया गया है, और इन पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसका है वो भी हमने देख लिया है। फिर है बात आती है 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाएं रखी गई हैं। जब पहले संविधान बना था तो यहाँ पे कितनी भाषाएं थी, तब 14 रखी गई थी, लेकिन अब 14 से बढ़ा के यहाँ पे कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये जो 8 अनुसूचियों की हमने बात की, ये थी मूल संविधान की 8 अनुसूचियां, और अब जो है बाद में संविधान में संशोधन करके इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं हम उन 4 अनुसूचियों की। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, पहले देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ईयर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे 1951 इसमें किया गया था संविधान का जो है पहला संशोधन, 1951 में हुआ संविधान का पहला संशोधन किया गया। और फिर यहाँ पे कौन सी अनुसूची जोड़ी जोड़ी गई, यहाँ पे जोड़ी गई अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, अब 9वीं अनुसूची में जो रखा गया वो रखा गया भूमि सुधार को, ये 9वीं अनुसूची में रखा गया। देखिए, जब संविधान बना था उस टाइम पे जो है वो भूमि से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ रही थी, जिनको किसी अनुसूची में जो है पहले नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में फिर इसकी आवश्यकता पड़ी और फिर एक संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 को, और उसमें एक 9वीं अनुसूची और जोड़ दी गई, जिसमें भूमि सुधार को जो है रखा गया। उसके बाद जो है आती है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में इसलिए आई थी 1985, 1985 में जो है संविधान में वो 52वां संशोधन हुआ। कौन सा, 52वां संशोधन हुआ, और तब एक और अनुसूची संविधान में जो जोड़ी गई वो थी 10वीं, और इसमें रखा गया दल बदल। अब आपको लगा होगा कि दल बदल क्या है, तो दल बदल आजकल भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जैसे पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें क्या होता है कि नेता क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है
तो एक पार्टी से जो है जिस पार्टी को उन्हें लगता है कि जीत रही होगी उस पार्टी में जो है अपना पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही जब संविधान बना था तो उसके बाद भी जो है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो केंद्र सरकार को देखने को मिल रही थी। क्या होता था कि नेता जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में चले जाते थे। तब जो है ये कहा गया कि अगर आपको भैया जो है दल बदल करनी है तो इलेक्शन होने के पहले करिए, इलेक्शन के बाद अगर जो है आप अपनी पार्टी चेंज करेंगे तो आपकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रिक्त माना जाएगा। ठीक, तो ये आता है 10वीं अनुसूची और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। कई बार पूछा जाता है कि दल बदल सूची को दल बदल जो है वो संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो दल बदल जो है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। कब रखा गया? 1985 में 52वां संशोधन किया गया और फिर उसमें दल बदल को रखा गया। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और ये कब हुआ? ये है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा थे? 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसका ईयर है 1992 या कहीं कहीं 93 भी मिलता है। क्यों? क्योंकि 1992 में जो है इसका प्रस्ताव भेजा गया था और इसको पास कब हुआ? 93 में। तो चाहे 92 आए चाहे 93, दोनों ही आंसर इसके क्या होंगे? सही होंगे। तो 1992-93 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया और उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें बताया गया कि पंचायत जो है उसमें मतलब कि इसमें कुछ विषय जो है जैसे 29 विषय इसमें बता दिए गए कि जो है वो पंचायत के अधीन रहेंगे और इन विषयों पे जो है वो पंचायत जो है वो फैसला करेगी। इसमें जो है जैसे कि गाँव की सड़कों की साफ सफाई हो गई है ना, और पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, या सड़कों को की मरम्मत वगैरह सभी कार्य इसमें बता दिए गए कि किसने क्या जो है जो भी कौन कौन से कार्य जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब आता है फिर वही ना 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है वो नगर पालिका को रखा गया है। ठीक है, मतलब कि नगर व्यवस्था को इसमें रखा गया है इसमें 12वीं अनुसूची में। और इसमें जो है इसके लगभग 18 विषय जो है वो बताए गए हैं कि उसपे जो है नगर पालिका को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया है और उसके विषय जो है बता दिए गए कि 18 विषय है जिनपे जो है ये काम करेगी। तो इस तरह से हमने देखा 8 अनुसूची संविधान के जो जब बना था तब जो रखी गई थी उसमें क्या क्या है, और फिर हमने देखा उसमें जो 4 अलग से अनुसूचियां जोड़ी गई उनमें क्या क्या रखा गया। ठीक है, जो अनुसूचियां जोड़ी गई थी वो थी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से मतलब कि पूछा भी जाता है कि और इसके साथ आपको सन भी याद करना है, कौन सा संशोधन हुआ था ये भी इसमें याद करना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो है 9वीं अनुसूची किस संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ी गई थी संविधान में। तो पहले संशोधन के, और ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें भूमि सुधार है। फिर 10वीं अनुसूची भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दल बदल जो है वो किस अनुसूची में रखा गया, तो दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है और ये 52वें संशोधन के अंतर्गत हुआ। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। फिर संविधान इसमें जो है परिवर्तन करके एक और अनुसूची जोड़ी गई 10वीं, जिसमें जो है दल बदल को रखा गया। फिर 11वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई? वो 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है इसमें जोड़ दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था को इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर होता है 12वीं अनुसूची रखी गई जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें जो है इसके अंतर्गत 18 विषय रखे गए जिसमें इसको जो है कार्य करना था। और ये है संविधान का 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था? 1992
में, ठीक है, 1992-93 में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि जो है इसमें संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो 74वां किया गया, और इसमें क्या रखा गया, नगर प्रशासन या नगर पालिका को जो है इसमें रखा गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उनको हमने पहले पढ़ा, कि उसमें जो 4 अनुसूचियां और अलग से जोड़ी गई थी उनको भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास जो है यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नए जो है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।